नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉग लत्ती की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। नारियल, मैदा, घी, लौंग, शक्कर, और ये शक्कर थोड़ा सा पीस करके रख लिया है, और ये मावा। एक बाउल लेंगे और इसमें ये अपना मैदा डालेंगे, ये हमने मैदा डाल दिया। घी डालेंगे मोवन के लिए। घी हमने मैदा का एक चौथाई लिया है, एक चौथाई ही लगता है तभी मोवन अच्छा लगता है। घी को इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे इसको अच्छे से, मोवन को दोनों हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा बाइंड हो रहा है, इसका मतलब हमारे मोवन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा डो लग करके तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सख्त ही लगाना रहता है, ज्यादा इसको ढीला नहीं लगाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। गैस में कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को धीमे कर दिया है। और ये हम मावा डालेंगे इसमें। मावा ये हमने घर में ही बनाया है। देखिए हमारा मावा थोड़ा गीला हो गया है, इसको थोड़ा सा और सूखा करेंगे। ये मावा हमारा ज्यादा था इसलिए हमने इतना निकाल करके अलग रख लिया है। अब जितना बचा है हम उसका लौंग लत्ती का बनाएंगे। देखिए हमारा जो बचा हुआ मावा है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ये मावा हमने निकाल लिया है एक प्लेट पे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारा ठंडा हो गया है, हम इसमें शक्कर मिलाएंगे जो पीस करके रखी थी। हम 2 चम्मच ही मिलाएंगे शक्कर, क्योंकि लौंग लत्ती में बाहर भी शक्कर रहती है चाशनी में, इसलिए हम शक्कर कम ही मिलाएंगे इसमें, नहीं फिर ज्यादा शक्कर हो जाएगी। हमारी मिल गई है, हम इसमें नारियल डालेंगे जो हमने घिस करके रखा था, घर में ही घिसा था। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा अच्छे से सब कुछ मिल गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये देखिए हमारा मैदा अच्छे से फूल चुका है। अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। छोटी सी लोई तोड़ेंगे, छोटी छोटी पूरियां बेलेंगे इसको। ये देखिए इससे हम सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी लोइयां बन करके तैयार है। इसमें हम सूखा आटा नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। ये बीच से ज्यादा पतला नहीं करना है, किनारे से पतला करना है। ये इस तरीके से मोड़ेंगे और इसे भी थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्का सा इसके ऊपर, और इसे भी इस तरीके से मोड़ देंगे, दबा देंगे और इसे यहाँ ला के ऐसे मोड़ देंगे, और इसको इसके ऊपर ऐसे मोड़ देंगे, और इसमें अपनी ये लॉन्ग लॉन्ग से इसे हम बंद कर देंगे। ये हमारे एक लौंग लत्ती का बन करके तैयार हो गया है। देखिए हमारे लौंग लत्ती का बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तलने के लिए तेल चढ़ाते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। शक्कर हम आधी गिलास पानी डालेंगे, इसकी चाशनी ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है। तेल चढ़ा दिया है और थोड़ा सा हम इसको तेल को गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि धीमी आंच पे ही ये पकते हैं। ये हम थोड़ा सा आटे का एक जरा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे तेल हमारा कितना गर्म है। हाँ हमारा तेल ठीक है, गर्म हो गया है, हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। अब हम इसमें अपना लौंग लत्ती डालेंगे, एक एक करके जितने इसमें आ जाए उतने हम डाल देंगे।
इससे पलटेंगे एक एक करके। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है एक बार, इसे एक बार और पलट के देखेंगे। ये हम इसे निकाल लेंगे और इसे किनारे पे ऐसे लगाएंगे ताकि इसका पूरा तेल निखर जाए। ये एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ये हमारे पक गए हैं, इनको हमने निकाल लिया है, हमको इतना ही इनको पकाना पड़ रहता है। चलिए देखो चेक कर लेते हैं, शक्कर हमारी घुल गई है, चाशनी अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा इसे और गाढ़ा करेंगे। देखिए हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें एक कटोरी में लेके हम इसे चेक करेंगे, कटोरी में डाल के चेक कर लेंगे। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, इतनी ही चाहिए, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं उतनी ही गाढ़ी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसे हमें अपना ये लौंग लतिका एक एक डाल के इसे डिप करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे निकाल लेंगे, निकाल करके एक प्लेट पे रख देंगे। ये हमारा लौंग लतिका बन करके तैयार है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, कोई त्योहार हो या वैसे भी बना के इसे खाया जा सकता है।